आदिवासी तहसील भेस्तेही मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान का फूंका पुतला सौंपा ज्ञापन। पुलवामा में हुई पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ रविवार को भेस्तेही के समस्त मुस्लिम समाज द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंककर अनुविभागीय अधिकारी राकेश सिंह मरकाम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि हम मुस्लिम समाज के तमाम लोग पुलवामा के CRPF जवानों के काफिले पर हुए हमले की कटु निंदा करते हैं और जितने जवान शहीद हुए हैं हम उन्हें मुस्लिम समाज की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान। जो हमारी जो है रक्षा कर रहे हैं आज जो है 40 जो है ऐसे हमारे करें। हम समस्त समाज बंधु शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एवं उन्हें उचित दंड दिया जाए और आतंकवादियों को शरण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह हमला आतंकवादी के कायरता की निशानी है। इस अवसर पर बाबा खान, रज्जू सेठ काबरा, हकीम जी, मुजीब भाई, अकरम खान, इलियास सेठ वंजारा, शेख इरशाद, रफीक शोहेब विंध्यानी, यूनुस विंध्यानी, शेख आसिफ, शेख साबिर, लतीफ सिद्दीकी, शेख हनीस, अतीक भाई, जावेद अंसारी, आमिर अंसारी, गुफरान भाई, शेख महबूब, सप्पू पहलवान, राजा खान, नदीम पाकिजा, नईम भाई क्लासिक उपस्थित थे। भेजते ही बैतूल से विजय प्रजापति के साथ मनीष राठौर की खबर। कुर्बानी दी है, बलि दे दी अपने देश के लिए। ये उनकी 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 कुर्बानी नहीं है बल्कि हम पर पूरे मतलब देश पर ये हमला है। हम सबको सबसे पहले हमारे जो जवान शहीद हुए हैं हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो परिवार है जो उनके घरों को मातम छाया हुआ है हम उनके साथ है। ये जो हुआ बहुत बड़ा दुखद बहुत बड़ी दुखद घटना हादसा हुआ है। सब जो है हमारा देश मातम में डूबा हुआ है। अब हमें धैर्य से काम लेने की जरूरत नहीं है बल्कि हमने बहुत दुख सह लिए है। यह बहुत सैनिक हमने गंवाए हैं। अब जो है हमसे ये धैर्य जो है वह फूटता है। अब हम सब जो है इसीलिए हम जो है बाहर निकल गए हैं कि अब जो है ये जो आतंकवाद ने हमारे जो है सीनों पर जो 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 छुरा घोंपा है हम जो है इनका कड़े से कड़ा जो है हम इनका बदला लेंगे। और जो भी हम जिसने भी हमको मतलब है कि ये जो दुख दिया है हम चुन चुन कर उनका खत्म करेंगे। आज पूरा देश जो हमारा 125 करोड़ है ये सब जो है एक साथ जो है खड़ा है ताकि हम जो है इन आतंकवादियों का और इन जो है क्रूरता लोगों का हम जो है बदला लेंगे। हम जो है एक एक खून के कतरे का हम बदला लेंगे क्योंकि हमारा ये हमारे सिपाहियों का एक खून का कतरा कीमती है। और हम सब देशवासी जो है पूरे देश के लिए हम जो है तैयार है। आज अगर हमको अभी अगर तैयार